गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अवर मैथ क्लास. नाउ टुडे वी स्टार्ट एडिंग यूजिंग नंबर लाइन. हमको जो ऐड करना है वो नंबर लाइन करके हमको ऐड करना है. व्हाइल एडिंग द टू नंबर, जब हम किसी दो नंबरों को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर. जो हमें फर्स्ट नंबर पे डिजिट दी हुई है हम उससे स्टार्ट करेंगे. टेक अज मैनी जम्प्स फॉरवर्ड एज द सेकेंड नंबर, और फिर जो सेकेंड डिजिट दी हुई है हमें उतने जंप करके दूसरे नंबर पे पहुंचना है. द नंबर यू रीच इज द सम, और फिर आप जिस नंबर पे पहुंचेंगे वो उसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. जैसे एग्जाम्पल देखिए, 8+6 इज इक्वल टू 14. अब यहाँ पहली संख्या कौन सी है, 8 है, तो स्टार्ट विद 8. 8 से हमें स्टार्ट करना है. और सेकंड क्या है, 6 है, तो हमें कितने जंप लगाने हैं, 6 जंप्स लगाने. देखिए कैसे, 8, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन ये 6. कितने हो गए, तो हमने कितना, 8+ कितने हमने जंप लगाए, 6, क्योंकि हमें यहाँ 6 दी हुई है, तो हमने 6 जंप्स लगाए. तो कितना है यहाँ पर, 8+6 इज इक्वल टू 14. कितना है, 14. ओके, हमें 6 जंप लगा के हम कितने पे पहुंचे हैं, 14 पे पहुंचे हैं. अब देखिए इसी तरीके से ये हमें करना है, 9+6, तो पहले पे क्या है, 9 है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 9 से हम स्टार्ट करेंगे. और कितने जंप लगाने हैं हमें, 6 जंप्स लगाने हैं. इन्हें भी हम ऐसे ही करेंगे, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6. तो ये कौन सी संख्या पहुंची, किस पे पहुंचे हम, 15 पे. तो क्या हो गया हमारा आंसर, 9+6 इज इक्वल टू 15. ओके, अब देखिए सेकेंड, 12+5, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हम स्टार्ट करेंगे ये 12 से, और हमें कितने जंप लगाने हैं, 5 जंप्स लगाने हैं. देखिए, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5. तो कौन सी संख्या आई है, 1, 7, 17. 12+5 इस कितना होगा, 17. समझ में आ रही है. अब देखिए 13+3, तो हमें कितनी, कहाँ से स्टार्ट करना है, 13 से स्टार्ट करना है, और कितने जंप लगाने हैं, 3 जंप लगाने हैं, 1, 2 एंड दिस इज 3. तो क्या आया, 13 में 3 जंप लगा के 16, कितना आया, 16. अब ऐसे ये देखिए, 7+6, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 7 से स्टार्ट करना है, और कितने जंप लगाने हैं, 6 जंप्स लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज 6. कितना आया, 13. कितना आया ये, 7+6 इज इक्वल टू 13. अब ये देखिए सेकेंड, एडिशन यूजिंग द नंबर स्ट्रिप. अब जो हमें कैसे करना है, ये तो था यूजिंग नंबर लाइंस करके करना था, ये हमें यूजिंग द नंबर स्ट्रिप करके करना है. देखिए कैसे, व्हाइल एडिंग द टू नंबर, जब हमें किन्हीं दो नंबरों को जोड़ना है तो कीप द फिंगर ऑन द फर्स्ट नंबर. तो हमें क्या करना है, जो हमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है उस पर फिंगर रखनी है. एंड मूव फॉरवर्ड एज मैनी बॉक्सेज एज द सेकेंड नंबर, और हमें उसी तरीके से जो दूसरी डिजिट दी हुई है हमको उस पर फॉरवर्ड करके आगे बॉक्स पे पहुंचना है. द नंबर यू फाइनली रीच इज द सम, और जो आखिर में आपको नंबर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा, और वो होगा आंसर सम होगा. ठीक है, अब ये देखिए क्या है एग्जाम्पल, 5+7, पहले कितनी संख्या है, 5 है. कहाँ है यहाँ 5, ये है दिस 5, से हमें कितने आगे जाना है, 7 आगे जंप करना है, 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स एंड दिस इज सेवन, तो क्या हो गया 12। कहाँ पहुंचे हम 12 पे, तो ये क्या हो गया इसका आंसर 12 है। अब इसी तरीके से हम कुछ और एक्सरसाइज करेंगे। अब देखिए एट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर स्ट्रिप, अब हमको कुछ यहाँ सम्स दिए हुए हैं वो भी हमें इसी तरीके से करने हैं। अब ये है फर्स्ट 7 and 8, तो हम कहाँ करेंगे, पहले हम कहाँ पर है सबसे पहली संख्या 7, तो हम कहाँ स्ट्रिप्स रखेंगे 7 पे, अपनी फिंगर रखेंगे 7 से हमें आगे कितने जंप करने हैं 8 जंप करने हैं, तो करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, कहाँ पहुँचा ये 15 पे, कितनी पहुँची फिंगर हमारी 7 हमने जब जंप लगाए तो ये दिस इज पहुँच गई 15 पे, तो क्या आएगा इसका आंसर 1, 5, 15। ओके अब ये देखिए इसी तरीके से सेकंड है 9 and 4, तो अब क्या है ये 9 पे हमने उंगली रखी, पहला नंबर क्या है 9 है, हमें कितने जंप लगाने हैं 4 जंप लगाने हैं 1, 2, 3 and this is 4, कितना आ गया दिस इज 13, हमने जब 4 जंप लगाए 9 के बाद तो क्या आया इसका आंसर 13। ओके समझ, डू यू अंडरस्टैंड। अब देखिए थर्ड, थर्ड है 8 and 9, तो हमें कहाँ पर पहली उंगली फर्स्ट फिंगर हमें कहाँ रखनी है 8 पे रखनी है, और हमें कितने जंप लगाने हैं 9 जंप लगाने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and this is 9, तो कहाँ आ गए हम ये 17, 9 और 8 कितना हुआ 17। अब है 6 and 8, कम कौन सी संख्या है पहले 6 है, तो हमने ये 6 पे अपनी फिंगर रखी, हमें कितने जंप करने हैं 8 जंप करने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and this is 8, कितना आ गया 14, 8 जंप लगाने के बाद कितना आया ये 1, 4, 14, तो 6 and 8 कितना हुआ 14। ओके अब है 11 and 4, फर्स्ट कितनी संख्या है पहली 11, तो हम अपनी फिंगर कहाँ रखेंगे ये देखिए 11 ये लिखा है 11 रखेंगे, कितने जंप लगाने हैं 4 जंप लगाने हैं 1, 2, 3 and this is 4, तो कहाँ आ गए हम ये 15 पे, तो क्या आएगा 11 and 4 15। अब है 12 and 6, हमें अपनी फिंगर कहाँ रखनी है ये 12 पे रखनी है, कितने जंप करने हैं 6 जंप करने हैं 1, 2, 3, 4, 5 and this is 6, तो कहाँ पर पहुंचे हम 6 जंप लगाने के बाद 18 पे, कितना 12 and 6 18। अब है 15 and 4, अब हमें कहाँ फिंगर रखनी है 15 पे रखनी है, और कितने जंप लगाने हैं 4 जंप लगाने हैं 1, 2, 3 and this is 4, 4 जंप लगाने के बाद हम कहाँ पे पहुंचे हैं 19 पे, तो 15 and 4 19। ओके समझ में आ रही है। अब है 17 and 1, तो हम कहाँ 17 पे ये हमने फिंगर रखी और 1 जंप लगाना है, कितना 1 जंप लगाना है, तो ये हो गया 1 जंप लगाया हमने ये दिस इज, तो कहाँ पहुंच गए हम 18, कहाँ पहुंचे 18, तो 17 and 1 18। ओके डू यू अंडरस्टैंड। अब ये जो नाउ लिस्ट 4 क्वेश्चन जो हैं वो आप होमवर्क में अपने आप करेंगे। ओके राइट डाउन दिस क्वेश्चन मैथ्स सम्स इन योर बुक्स एंड नोटबुक्स ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।